भैया और राम राम, हमें बुंदेली चूरी से नीरज जो आवे, हमें हरिओम गौ सेवा केंद्र में जहाँ पे एक बेला को इलाज करो जा रहा हूँ, कहा से एक पाँव को टूट गयो और अब ईट पाँव टूटे पाँव के पलस्तर करवे को प्रयास करो जा रहा हूँ, पलस्तर करा के और वो पाँव जोड़वे को पूरा प्रयास करवे को। ये बेला को कौन पाँव टूटा तो कौन वाहन से कुचल गए तो अब इनके पाँव के बचावे की स्थिति है जो अपन देख सकते हैं कि को पाँव बच सका, जो पीछे वाला पाँव है जो पाँव बच जाए इनके लाने प्लास्टर चढ़ावे की योजना बनी है, तो अगर प्लास्टर चढ़ाओ कमटी बांध के तो जो बेला सुरक्षित बच जाए कि पाँव बच जाए, तीन पाँव से होवे से बच जाए एक बड़ी बात जाए। तो जो प्रयास कर हरिओम गौ सेवा केंद्र की पूरी टीम कार्यकर्ता लगे हैं और ये बेला को पाँव बचावे की योजना है। अब बेला कितना शक्तिशाली और वैसा होते हैं खतरनाक होते हैं, उसे जूझ वो भी अपने प्राणन पे बनाए वाली स्थिति है, खतरा मोल लेवे की लेगा के बाद ही जे वे बचावे की उम्मीद लगे हैं कि वह बेला के लिटा के पार के और फिर उनको इलाज कर पाए। और वो बेला है कि वो बिल्कुल कब्जे में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक बार फिर प्रयास हो रहा हो जो देख रहे हैं आप, और वह गिरा के अब वह कोशिश करीजिए कि अभी को जो पाँव ठीक कर दो जा, और अब जब सफलता मिल भी गई में कि बेला के इन्हें अचेत कर लो, अचेत करके अब ये व्यवस्थित रूप से वे करो जो है ताकि जो इनको इलाज हो पाए अच्छे तरीके से। इनके पाँव में जो जो देख रहे घायल पाँव है पीछे वाला है, इनमें अब स्थिति ऐसी है कि जो बच सकत पाँव इनको यही से ही खिलाने आज इलाज खिलाने ये सब पूरी योजना बनी है कि हाथ पाँव बांध के उगो अब इलाज को करो जा रहा हूँ। तो आप जो देख सकत हो जो डॉक्टर अपने अशोक भैया हैं और दिल लगे हैं कमरे से बब्बा जो पूरी टीम है तब गौशा लगी लगी है, और आज के पाँव में आपने बहुत आदमी को सुनो ये कि आदमी के पाँव में प्लास्टर बनत है, लेकिन पहली बार देखो एक बेला के पाँव ही प्लास्टर बांधने का प्रयास करो जा रहा कमटी एमटी बांध के व्यवस्थित, और ऐसे हो इनको मान बो ऐसे भैया को कि अगर इन्हें कमटी एमटी लगा के जोर जाड़ता हो जाए तो फिर जो बेला की स्थिति ठीक हो जाएगी, हड्डी जुड़ भी सकते हैं। तो ये पूरी मलम पट्टी प्लास्टर खिलाने सब कछुआ का वो खिलाने व्यवस्थित, तो अगर जो एक पाँव जिंदा होगा तो एक जो बड़ी सफलता रहे कि एक बेला को पाँव बच जाए जो, और जो रोज की स्थिति है तब रोज ऐसे घायल जानवर रात जिन्हें उनके जीवन थे संकट में रात उनको जीवन बचावे को पूरा प्रयास होते हैं। तो जो आप देख रहे हैं पूरा हम आपको बता रहे हैं कि जो पूरी टीम लगी है और बेला के पाँव का सुरक्षित करवे के लिए बचावे के लिए जो काम है तो चल रहा है या सेवा चल रही है। और हम बताते हैं हरिओम गौ सेवा केंद्र ऐसे स्थान है जहाँ पे केवल घायल घायल को इलाज होते हैं, रोडन पे पड़ी रहती कुत्ता चीत जात गाड़ी कुचर जाती ऐसे जानवर को हरिओम गौ सेवा केंद्र को वाहन जाके उठा ले आते हैं। हम जो वाहन भी दिखा रहे हैं आपको जो वाहन खड़ो है, और ये वाहन से हर 20-25-30 किलोमीटर की दूरी पर जो भी घायल जानवर मिलते हैं वे इतने ले आके ऊके इतने इलाज करवाओ जाते हैं। और इतने एक मशीन भी रखी जी में आप देख सकत जहाँ अंदर एक मशीन रखी जी में घायल जानवर के खड़ो करके उनको इलाज करो जाती पे लटका के, तो जब मशीन भी रखी है ये भी सब समाज की तरफ से जो सहयोग प्राप्त होता है उसे सब चीज़ यहाँ आते हैं। तो हम बताते हैं कई इतने घायल जानवर हैं जिनको इलाज लगा तो चल रही दवाइयाँ भी रखी हैं इधर पे, और जो फिर देखो उनको इलाज हम आपके सीधे कोई कार्य से जोड़ रहे कि जो काम चल रहा है अनूठी सेवा है कि पुचकार के दुलार के। और एक चीज़ और बताते हैं गौवंशीय पशुअन में सामर्थ्य बहुत हो, शक्ति बहुत हो, सहनशीलता की। अब एक ही जगह कौन और जानवर हो तो चीख तो चिल्ला तो ऐसा धंधक तो, लेकिन गैया हो चाहे बेला हो जे बिल्कुल कष्ट जितो रहा है चाहे तो कष्ट सही में रहा है, लेकिन ये झेलत रात तड़पत रात करत रात है ना, और यही से इन्हें देवता रूप में जो मानो हो पशु इनके। तो जब हड्डी जोड़ियों को देखो जो पूरा प्रयास बहुत हो रहा हो तो हड्डी जोड़ी जा रही है, हड्डी जोड़े को प्रयास हो रहा कहीं में जख्म जो भर गया हड्डी जुड़ गई, तो ये बड़ी सफलता रहे और जो बेला अपने पाँव चारों पाँव पर खड़ो रहते हैं हर संभव कोशिश से होता है कि कम से कम बेला को पाँव बचा लो जाए। जब बड़ी स्थितियाँ ऐसी रहती कि नहीं हो पा बच पा तब जाके मजबूरी में पाँव काटने पड़ा थे, लेकिन जो अच्छी है कि जहाँ संयोग है कि को हड्डी तो टूटी लेकिन जुड़वे की स्थिति है, जुड़वे की संभावना बहुत सारी है, जाकर जुड़ गई तो एक बड़ी सफलता भी रहे और ई बेला को जीवन बच जाए हम जो मान सकें।
ऐसे जो घाव लेके अगर सड़कन पे घूमत हो तो गौशाला में नहीं आ पा तो कीड़ा पड़ते कि पाँव शरीर गलतो और की बड़ी तड़प तड़प के बहुत वैसी मौत होती। एक एक अच्छी बात यह है कि एक जब बड़ी सेवा हो रही और जो देखो कमटी बांध के प्लास्टर से जमा के हड्डी जोड़ दी गई और जोड़ के अब वो एक से सौ आधा बनाओ जा रहा हूँ ताकि वह व्यवस्थित हो जाए। वो और जो हम बता रहे हरिओम गौ सेवा केंद्र में जहाँ पे घायल बैल को जो पाँव टूट गया तो हड्डी टूट गई थी, हड्डी जोड़वे के लाने प्रयास करो जा रहा हूँ और वह कमटी एमटी बांध के ऐसा पलस्तर बना जा रहा हूँ कि ताकि कोई घाव अच्छा हो जाए और हड्डी पे मांस चढ़ जाए तो उसको पाँव भी बच जाए और सुरक्षित रहे वो। जो है हरिओम गौ सेवा केंद्र जहाँ पे घायल जानवर छोटे छोटे बछड़ा अलग अलग जगह से घायल होकर पहुँची गईयाँ या सड़क पे पैदा हुए बच्चा सब इतने पहुँच जाते हैं और इतने उनकी सेवा होते ये आप देख रहे हैं। सब चारों तरफ पूरे घूम रहे देख रहे हैं और जो प्लस्तर ही देखो भैया चढ़ रहा कंप्लीट होगा पूरा देख सकते हो मुझे। पशु चिकित्सक अशोक भैया से ही बात करा है कि जब कैसी का व्यवस्था करिए और कैसी संभावना है बेला को पाँव जुड़वे की, जो एक देखे वाली बात रहे। हम बताए छतरपुर में कहूँ जो कोई गाड़ी से कुचल गया तो बैठो तो बेला ही को पाँव बिल्कुल टूट गया तो लटक गया तो मांस कड़ जाओ तो, लेकिन थोड़ी संभावना हड्डी जुड़वे की रहती और उसे जो चीज़ भई है कि कम से कम अच्छी बात जो है कि इनमें बहुत प्यारी बात जा भाई है कि इनमें पाँव बचाने को जो प्रयास में हो रहा हूँ कि एक पलस्ता चढ़ा के कमटी बांध के और इको पाँव को जख्मी एरिया है वो सुरक्षित करूँगा, उसमें दवाई करके सब चीज़ें वो करो जा रहा हूँ ताकि जो पाँव कटवे से बच जाए।
बहुत कहा है कि जब स्थिति जा हो जात अब जो भैया प्लास्टर बन रहे हैं या पट्टी बन जाए कीड़ा ना पड़ रहे हैं अच्छी बात जा रहे हैं। तो जो पलस्तर भैया चढ़ गए हड्डी जोड़वे को पूरे प्रयास जो है सफल हो दिखा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि एक बैला को पांव बच गए हैं। आदमी इंसान उनके काम में नहीं होते लेकिन जो एक समिति है जो टीम एक ऐसी है कि घायल गोवंश जो लावार ऐसे जी को कोई मालिक नहीं है वो गोवंश की सेवा के लाना दिन रात जे सब जुटे रात और जैसे भी हो तो अपनी जान जोखिम में डाल के ये बैला मतलब सोचो इतना हिंसक हतो मार भी दौड़ रहा हो तो शुरुआत के बाद वीडियो देखियो ठीक है वे इन्हें काबू में करके नियंत्रण में करके लेटाओ उनके हित के लाने उनके भलाई के लाने के उनको अच्छा हो जाए और अब उनको प्रयास जो है कि ये उनको पाँव को जुड़ जा रहा तो एक अच्छी बात रहे कि वह सपोर्ट भी रहे पाँव में खड़ा हो जाए तो अपने चारों पाँव से चल पे है। बहुत तकलीफ से गुजर रहा तो जो दो दिन हो गए थे लगा था समझ में नहीं आ रहा तो लेकिन अब जब अशोक भाई को दिमाग चलो तो इन्हें देखो कि हड्डी छोड़ सका तो अब जो कि मलम पट्टी करके पूरी बाकायदा कीड़ा ना लगे और कष्ट ना हो दिक्कत ना हो ये सब चीज़ें सोच के उनको इलाज की पूरी विशेषज्ञ से सलाह ली गई डॉक्टर से सलाह ली गई और फिर अब उस तरीके से करो जा रहा हूँ जो एक अच्छी बात है। तो भैया यार आपने देखो पहले आपने अभी तक सुनो हो कि आज दिन के हाथ पाँव में प्लास्टर चढ़त तो लेकिन पहली बार आप देख रही हो कि कौन जानवर को पाँव भी प्लास्टर चढ़ा के बचा जा सकत और जो उदाहरण है वो अभी जब जो सही हो जाए तब हम फिर देख भाई बेला से आपके देखो अभी कि देखो अब जो बेला चार पाँव पर चल रहा अगर जो सड़क पर डर रहा तो इनके प्राण भी चले जाते कीड़ा पड़ जाते बहुत बीभत्स मौत होते ऐसे जानवर की कहा से आदमी तो कुचर के भग जाते। लेकिन एक अच्छी बात जाए छतरपुर के लाने के तो हरिओम गौ सेवक जैसे केंद्र हैं कि जहाँ पे घायल गोवंश को निःशुल्क इलाज उपचार करो जाते हैं और बिना कोनो शासन के अनुदान सहयोग के जब पूरी व्यवस्था चल रही समाज के सहयोग से इस संस्था से जुड़े लोगों के सहयोग से जब संस्था निरंतर लगातार अपना काम करते थे और देखो जो प्लास्टर देखो तैयार होगा छड़को है अब हम पास से भी दिखा सकते पहले बड़ा घाव हो तो दिखाए में थोड़ी जैसे लगा तो और अब जो एक इंजेक्शन भी है जानवर के लग जाने ताकि कि दर्द तकलीफ़ कम हो पाए इसको भी पूरा इंतजाम है और उसके बाद जब तक दर्द तकलीफ कम हो जाए तो जो अपने से काम भी कर पे अपने पाँव पे चल पे है तो अच्छी बात जो है कि इसको पाँव बच गए भैया जो एक बड़ी बात है इंजेक्शन लगो जा रहा हो तो घाव भी उतने जल्दी से सूखे और उतने जल्दी से मांस जमे हड्डी के ऊपर और जहाँ मांस जमो सो फिर जो मान लो कि ये ऐसो बमकने या ऐसो बमकने बेलक हैं कि अच्छे अच्छे के नियंत्रण में नहीं आ पाने एक जहाँ समझ वाली बात है बड़ी बात है। तो भैया जा देख लो आप बहुत अच्छी जो लगो लो इंजेक्शन भी लगो जा रहा हो जो इलाज होगा लो पूरा जो इंजेक्शन लग गया दर्द तकलीफ कष्टी को दूर हो जाए बहुत कष्ट में है तो जो बेला अब लेकिन इनके मुंह पे शांति दिखा रही चेहरा को लग रहा हो कि अब संतोष में है जो एक अच्छी बात है। अब वो देखो उठावे को प्रयास भी करो जा रहा छोड़वे को प्रयास करो जा रहा छोड़ दो जो है और अब जो बेला देखो अपने मन से खड़ा हो जाए धीरे से
देखो छोड़े को प्रयास करो यार, जितने देर बैठने हैं बैठने, छोड़ने हैं छोड़े। देखो अब जो अब लेट हो, आराम कर रहा, बढ़िया आराम करते रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लो भैया जो होगा, और अब बेला खे भैया जो होगा परोराने हो तो परोरान दो। अच्छा उतर, चलो पाँव को पलटावे के लाने के लिए रख सा, अब ये पलटा दो जो है, और जब घुमा के लौटा दो जो है, तो अब उनको पाँव अच्छा हो जाए जो, हाँ अगर उठने आए तो वो पाँव के बल उठ जाए वो। तो लो जो खड़ा होगा देखो, और तीन पाँव पे अब भैया खड़ा होगा बेला। तो जाए भैया हमें तो हरिओम गौ सेवा केंद्र के संचालक डब्बू माजी से पूछे ले रहे हैं, भैया आज जो कैसो कहा तो बेलाओं का कैसो इलाज करो, कहाँ से आओ तो जो जो बेला आज से तीन दिन पहले अपने अस्पताल में फ़ोन करूँ तो एक भैया ने सो जो ले आए थे। हाँ। और जो तो ट्रक रख निकल गए हो गए, जो कछु भी निकलो हो, लेकिन हाँ। पाँव बहुत, लेकिन कट भी की स्थिति में नहा दो, इसे फिर पलस्तर बांधने पर हो। हाँ। सो ऐसा रोज की पट्टी खुल है। हाँ। अगर पर ऐसा पलस्तर बन दो कच्चो तो पट्टी रोज ना हो पाती, तो अपन ने कमड़ी लगा के पलस्तर बांधो, जी में रोज सफाई भी होता रहा है घाव की, कीड़ा ना पड़ पाए। हाँ। और धीरे धीरे घाव भी सूखत रहा है, और हड्डी जो पैनी एक नाय की माँ हो गई थी वह काट के सेट करके जोड़ दी, और भविष्य में जो बेला की हड्डी जोड़ दीजिए और ऊपर से मांस भी आ जाए। बहुत बढ़िया, देखो अच्छी होती है। अब देखो बेला देखो कितने शांति अनुभव कर रहा हूँ, बड़ी तकलीफ और कष्ट में तो गुजर रहा हूँ, तो लेकिन अब हुए जा रहा था कि चलो को पाँव बच गए, हालांकि पाँव रख नहीं पा रहा हूँ, कष्ट है पहले भी, लेकिन अब जो है कि उनको पाँव बचे भैया। तो भाई हम नमन करते ऐसे ऐसे गौ सेवकन के, इनका धन्यवाद है कि ऐसे गैया के बेला के प्राण लगातार बचा रहे, और समाज से भी आह्वान करें भैया की ऐसी सेवा में अपना सहयोग जरूर रखें, कैसे जस सेवा ऐसी है 84 कोटि देवता इनमें बसत है गौवंशीय पशु में, और अगर इनकी सेवा अच्छी से हो गई और जी अभी इनमें शामिल हो गए को सौभाग्य मिल गया, तो पुरखा तर जात पीढ़ियाँ तर जाती है सो मानोगा। भैया अभी हम ले रहे हैं विदाई, जैसी सेवा हम दिखाते रहे अपने चैनल पर, जय राम जी की, जय गौ माता की।